अब हम जानने वाले हैं, इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं, चार पांच वीडियो बनाए हैं, तो अब हम जानने वाले हैं 100 के करीब संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है। जैसे कि 98 × 93, ठीक। अब देखिए ये हम पहले वीडियो में और बताए हैं, अब देखिए ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, और ये 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो अब हम या तो 98 में से 7 कम करें या तो 93 में से 2 कम करें, आएगा उतना ही। 98 में 7 कम करेंगे 91 आएगा, 93 में से 2 कम करेंगे तब भी 91 आएगा। तो उल्टा करना है काम, 98 में 7 कम करो या 93 में से 2 कम करो, आएगा 91। लिखना 91 है, और 91 लिखे और 7 × 14, ठीक, ये गुणा हो गया, यही करना है। अब देखिए जैसे कि हम लिखें 95 × 96, अब यहाँ पर 100 से 5 कम है और एक कितना कम है, 100 से 4 कम है, तो या तो हम इससे 5 कम करेंगे या इससे 4 कम करेंगे। इस 96 से 5 कम करेंगे 91 आएगा, 95 में से 4 कम करेंगे 91 आएगा। तो हम 91 तो लिख दिए, और अब यहाँ 6 × 5 = 30 नहीं करेंगे, ये 4 कम है, ये 5 कम है, तो 5 × 20 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे हम किए 89 × 91, ठीक। अब यहाँ कितना कम है, 11 कम है, देखिए 11 कम है, ये 9 कम है, तो या तो हम 89 में से 9 घटाएंगे या तो 91 में से 11 घटाएंगे। तो 89 में से 9 घटाए तो 90 हो गया, ओ 80 हो गया, 89 में से 9 घटाए 80 हो गया, और 91 × 99, 80 × 99, ठीक, इसी तरह करना है। अब एक दो क्वेश्चन हम और करा दें। अब देखिए आप लोग करिए 97 × 92, ठीक। अब करिए 93 × 98, अब देखिए 97 × 92 किए, अब कितना कम है, 100 से 100 से 3 कम है, 100 से 8 कम है, तो 8 × 24 तो होगा ही, ठीक। अब या तो हम इससे 3 कम कर दें या तो इससे 8 कम कर दें, तो आएगा तो उतना ही, 92 में से 3 कम किए कितना आएगा, 89, तो 89 = 24 इसका उत्तर हो गया। अब 93 × 98 में क्या हो जाएगा, 100 से 7 कम है, 100 से 2 कम है, तो 7 × 14, 14 हो गया, और 93 में से 2 गए, 91 = 14, ठीक आ गया। अब हम इसी तरह जानने वाले हैं 100 से ऊपर की संख्या, ये तो 100 से कम की संख्या है, अब 100 से ऊपर की संख्या जानेंगे। 100 को ऊपर कैसे बनाया जाए, मतलब 100 ऊपर संख्याओं को गुणा कैसे किया जाए। जैसे कि हम बता चुके हैं 93 से 98 = 91 = 14 आएगा। अब देखिए कितना आएगा, जैसे कि 105 × 107, ठीक। अब देखिए कि 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो या तो इसका इसमें जुड़ेगा या तो इसका इसमें जुड़ेगा। अभी 5 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, तो या तो 105 में 7 जोड़ो या तो 107 में 5 जोड़ो, आएगा 112 है, 112 आ गया, 7 × 5 = 35, ठीक, 112 = 35। अब इसी तरह जैसे हम कर दिए 103 × 109, 103 × 109 कितना होगा, तो आप लोग फास्ट बताइए कितना ज्यादा, 9 में 3 ज्यादा कर देंगे, जो कम रहे उसी को ज्यादा कर दो, 9 में 3 ज्यादा करेंगे, 112 हो गया, ठीक। जब 112 होगा तो 9 × 27, 112 = 27, देखिए 112 = 27। अब जैसे हम 113 × 103 कर दिए, अब इसमें क्या करेंगे, 13 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 13 में हम 3 ज्यादा कर देंगे, 116 हो गया, तुरंत करिए 116 × 39, 116 × 39, ठीक। अब हम कितना ज्यादा करेंगे, देखिए क्वेश्चन जैसे कि 117
119, नहीं अभी थोड़ा सा कम ले लो, 117 गुणे 9। अब देखिए इसे करिए आप लोग, कितना होगा, अब 17 ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो 17 में कितना जुड़ेगा, 17 में 9 जुड़ा, कितना हो गया 126। अब गुणा क्या करना है, 17 9 17 153। अब जब 153 हो रहा है तो 153 तो जुड़े लेना दो अंक है, तो एक जो 126 है इधर 127 हो जाएगा और ये 53 हो जाएगा। ठीक, अब हम बता चुके हैं, अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें।